हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईएसई गेट कॉन्सेप्ट्स। हम लोग आज एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और वो ईएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस पेपर को अगर आप यूपीएससी के लिए आईएएस का भी अगर प्रिपरेशन करें तो आपको थोड़ा बहुत इससे मदद मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्सक्लूसिवली ये चैप्टर जो है, ये जो पेपर है, ये पेपर हम लोग ईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम है, सब्जेक्ट है आईसीटी, मतलब क्या, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आज के वीडियो में आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस हम लोग इसका सिलेबस समझेंगे कि हम लोग को इस पेपर में पढ़ना क्या है। काफ़ी छोटा पेपर है, मैं इसे जल्दी ज़्यादा इसमें आपको डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। आप इसके बारे में जानते भी होंगे काफ़ी चीज़ें, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ वही वही चीज़ पढ़ेंगे जो जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उससे बाहर कुछ भी हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं। और ये आपका जीएस पेपर 1 का पार्ट है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम ESE 2019, ठीक है। देखिए, ये ICT का पेपर पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई थी और आने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा काम किया था, वो था आईटी सेक्टर। उन्होंने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की थी, ठीक है। और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से वे अपने गवर्नेंस को ई गवर्नेंस के रूप में स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, आईसीटी के टूल्स का यूज किया ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए अपने गवर्नेंस में। तो जिसके कारण UPSC इस पेपर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। अगर रिसेंटली आप देखिएगा कि इस बार UPSC का जो IAS का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी इस पेपर से करीब 10 से 12 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो समझ लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट है, एक एक नंबर का फाइट है। और एक पेपर जो काफ़ी आसान है, बचपन से जानते हैं सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, और वो आपको इतना ज़्यादा नंबर्स दिला दे रहा है। तो इसका मैं आपको सिलेबस पहले बता देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। सिलेबस क्या है, मैं इस टॉपिक को फ्लो चार्ट के रूप में आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको समझने में मदद मिलेगा। आप लोग चाहो तो इसे किसी पेपर पर लिख लेना, जिससे आइडिया लग जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिलेबस कहाँ तक चल रहा है। टूल्स ऑफ ICT, सेकेंड जो है वो है नेटवर्किंग, थर्ड जो है ई गवर्नेंस, फोर्थ जो है वो है हम लोग का कॉन्टेम्पोररी टॉपिक्स,
और कॉन्टेम्पररी टॉपिक्स और कॉन्टेम्पररी टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज ठीक है। टूल्स ऑफ आईसीटी के अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे, सबसे पहला टूल्स ऑफ आईसीटी है पोस्ट, उसके बाद क्या है ऑडियो रेडियो, और क्या है टेलीविजन, और क्या है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। देखिए इसमें जो ये टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो ये टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है, इसका ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ठीक है। और फिर हाँ इसमें और भी चीज़ें हैं, कंप्यूटर एंड मोबाइल ठीक है। इससे भी एक्चुअली में ये जो टॉपिक है ये स्टैटिक टॉपिक है, मतलब कि इस ये इसके बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे कि कंप्यूटर क्या होता है मोबाइल क्या होता है, इसी का थोड़ा थोड़ा चीज़ आपको बताएंगे कि क्या क्या मतलब इसमें कुछ और नए अपडेट्स क्या आया है, और फिर कोई जैसे टच स्क्रीन कैसे काम करता है, कंप्यूटर का क्या पार्ट्स होते हैं, रोम रैम बायोस ये सब चीज़ आपको बताएंगे ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या नेटवर्किंग, इस नेटवर्किंग को भी हमें तो हो नहीं पाएगा, ई गवर्नेंस को थोड़ा सा साइड में कर दीजिए, ई गवर्नेंस और नेटवर्किंग टाइप्स टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिस्टम ठीक है, टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्शन या नेटवर्क सिस्टम, नेटवर्क कनेक्शन ये और हाँ ठीक है। और क्या है, और फिर हो जाएगा आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिस्टम, फिर टाइप ऑफ नेटवर्किंग, टाइप ऑफ नेटवर्क सिस्टम, उसके बाद फिर टाइप ऑफ नेटवर्क ठीक है। इसमें क्या क्या देखेंगे, इसके अंदर हम लोग देखेंगे ई गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है ठीक है, फिर प्रोग्राम्स अंडर ई गवर्नेंस, मतलब कि ई गवर्नेंस के अंदर कौन कौन से नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं ठीक है, प्रोग्राम्स अंडर ई गॉव ठीक है। और फिर इसमें भी जो प्रोग्राम है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है, इसके अंदर क्या देखेंगे, टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्शन कितने तरह का होता है, टू टाइप्स का होता है, वायर्ड और वायरलेस ठीक है। और फिर ये वायर्ड नेटवर्क में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसमें हम लोग पढ़ेंगे को कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर ठीक है, वायरलेस में क्या क्या है जानते ही हैं आप लोग, ब्लूटूथ वाईफाई लाईफाई वाई मैक्स इटीसी
ठीक है, तो ये सब चीज़ देखेंगे वायरलेस में। फिर टाइप ऑफ नेटवर्क सिस्टम क्या होता है, देखिए टाइप ऑफ नेटवर्क सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे रिंग मेस बस इत्यादि। ठीक है, मतलब कि कितने तरह का ये होता है, स्टार भी लिख सकते हैं आप, एक स्टार स्टार टोपोलॉजी, ये सब चीज सारा चीज डिटेल में देखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ नेटवर्क में क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हो जाएगा इंटर नेट और इंट्रा नेट। इंटरनेट में क्या क्या हो जाएगा, इंटरनेट तो इंटरनेट है ही, इंट्रानेट में क्या हो जाएगा, लैन मैन पैन वैन, ठीक है, ये सब चीज़ इसमें देखेंगे। और देखिए ये एक टॉपिक और हमारा बच गया है, इसके अंदर बहुत सारा चीज़ मिसलेनियस टॉपिक है जो एक दूसरे से लिंक नहीं है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, 3D प्रिंटिंग और फिर ब्लॉकचेन और फिर क्रिप्टो करेंसी और भी इसमें ढेर सारे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो सब साथ में हम लोग देख लेंगे। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपका बोला जाए तो एक आपका ये टॉपिक्स है ई गवर्नेंस, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। दूसरा आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिर आप इसमें आओ, इसके अंदर से भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और भी जो GS का पेपर डिजाइन किया गया है ESE के लिए, इसमें क्या होता है कि आपको स्टैटिक पोर्शन से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन होता है कम होता है, लेकिन जो इसी स्टैटिक टॉपिक के अंदर, मतलब कि ये कंप्यूटर मोबाइल सैटेलाइट ये सब जो भी टॉपिक हैं, इसके अंदर जो नया क्या हो रहा है अभी, मतलब कि रिसेंट अपडेट्स क्या है, उसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट टाइप का होगा, क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे साथ साथ जब पढ़ेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स में, इन टॉपिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, इस बार भी आया, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी से क्वेश्चन आ सकता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्वेश्चन आया हुआ है, बिग डेटा क्या है, 5G AI VR ये सब सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी जो मैं ICT का टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, तो इसमें मैं आपको सिर्फ वो टॉपिक अभी टच करूँगा जो टॉपिक चेंज नहीं होंगे, मतलब कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, जैसे कि मैं ये पढ़ाऊँगा अभी टूल्स ऑफ ICT पढ़ाऊँगा, नेटवर्किंग के बारे में बता दूँगा, ये भी बता दूँगा, कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजीज भी बता दूँगा, ई गवर्नेंस के बारे में भी बताऊँगा, लेकिन जो ये टॉपिक है प्रोग्राम्स अंडर ई गवर्नेंस, इस टॉपिक को मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और उस वीडियो में करेंट अफेयर्स का वीडियो बनाऊंगा, तो करेंट अफेयर्स में लगभग नवंबर या दिसंबर के टाइम में वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम के, जैसे आपका एग्ज़ाम जनवरी में शेड्यूल्ड है, तो जनवरी में एग्ज़ाम जब आपका होगा तो उसका जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा लगभग नवंबर या दिसंबर तक का जो भी इवेंट्स हो रहा है या फिर जो भी प्रोग्राम लॉन्च हुआ कुछ भी हुआ, तो सारे अपडेट्स नवंबर तक के अपडेट्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं इस टॉपिक को, क्योंकि इसमें अभी और भी अपडेट आएगा, कुछ भी आ सकता है, नए नए कोई नया सैटेलाइट ही लॉन्च हो गया या गवर्नमेंट कोई नई योजना स्कीम लागू कर दी ICT से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा कोई बड़ी घटना हो गई, तो वो सारा चीज़ को मैं करेंट अफेयर्स के अंदर, एक करेंट अफेयर्स के अंदर भी ICT का एक टॉपिक बनाकर उसमें मैं सारा चीज़ बता दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको बार बार एक ही चीज़ के लिए मेहनत ना करना पड़े, एक ही बार मेहनत करिए, सही डायरेक्शन में करिए। और जो चीज़ चेंज नहीं होने वाले, जैसे कि ये टॉपिक, ये सब सारे टॉपिक्स, ये सब चीज़ें मैं आपको
अभी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये सिलेबस है, इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, और फिर एक एक करके नेक्स्ट वीडियो से मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा टूल्स ऑफ आईसीटी से, ठीक है। बातें समझ में आ गई, चलिए थैंक यू।